बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वो बार बार यही गुहार लगा रही हैं कि उन्हें पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे एक बुरी मौत वहां पर दे दी जाएगी। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए और उसे भारत की नागरिकता भी दी जाए। बता दें, सीमा 13 मई को नेपाल के रास्ते एक बस में अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में आई थी। उसके बाद वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में गई, सचिन के साथ रहने लगी। एक गलती उसे भारी पड़ गई और उसका भांडा फूट गया और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कई दिन तक वो जेल में रही और उसके बाद जब से वो बाहर आई है लगातार मीडिया को इंटरव्यूज दे रही है। हालांकि इन सबके बीच यूपीएटीएस ने हाल ही में सीमा हैदर से पूछताछ की थी। कई घंटे तक ये पूछताछ चली थी और उसके बाद सीमा हैदर ने आगे आकर मीडिया को संबोधित किया था और कहा था कि उसके साथ कुछ भी गलत व्यवहार यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, वो हर तरीके से जांच के लिए तैयार है, लेकिन बस उसकी एक रिक्वेस्ट है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए। आपको बता दें, हाल ही में एक और न्यूज चैनल को सीमा हैदर ने इंटरव्यू दिया जिसमें उसने ये सबके सामने कबूला कि वो अब कभी भी मांस नहीं खाएगी, जल्द ही गंगा में स्नान करने के लिए जाएगी। मैं हाउसवाइफ बनकर रहना चाहती हूं और मुझे सास ससुर एवं सचिन की सेवा करनी है, ये भी कहना है सीमा हैदर का। बता दें, इस इंटरव्यू में सीमा सचिन के लिए गाना गाती हुई भी नजर आई। वैसे सीमा अक्सर इंटरव्यूज में सचिन के लिए गाना गा ही रही है। एक इंटरव्यू के दौरान उसने सचिन के लिए गाना गाया था, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां, मैं मुमताज हूं तेरे ख्वाबों की, ये भी गाना सीमा हैदर गाती हुई नजर आई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीमा हैदर को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सबके बीच आपको एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि पुलिस ने पाकिस्तानी एम्बेसी को सीमा हैदर के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनकी जांच करने के लिए कहा है और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। आप अगर पाकिस्तानी एम्बेसी क्लीन चिट दे देती है सीमा हैदर को तो हो सकता है उसे भारत में रहने दिया जाए, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ मिलती है, कोई भी संकेत मिलते हैं तो फिर बड़ा एक्शन सीमा के खिलाफ लिया जा सकता है। बता दें, हाल ही में सीमा ने यह भी कहा था कि लोग कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के बारे में बुरा कह रही हूं। मैंने पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं कहा, मैंने हमेशा सिंध और बलूच कबीले की बात कही जहां से मैं आई हूं। मैंने पाकिस्तान की बुराई नहीं की और जो सच है मैं तो वही बता रही हूं। पाकिस्तानियों को मैं कहती हूं कि मैं मोहब्बत में भारत आई हूं, वहां खुश नहीं थी तो आ गई। पाकिस्तान में जो महिलाओं के साथ गलत होता था मैं उसके बारे में बोलती हूं। पाकिस्तान में मेरे आने से पहले भी हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो भी मुझे गलत ही समझा जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। खैर, आप सीमा हैदर से जुड़ी इस खबर पर अब क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाए या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी, उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी, जब जांच चलती थी कई बात हुई आगे के, जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगा, क्योंकि अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मैंने जो सच था वो बोला है, अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे रिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान, आपको भी अगर भेजा गया ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है, तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले भी कह रहे कि आप नाम बदल के रह रहे थे, हाँ। सचिन लेके गए थे, क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे, वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था, पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी, वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे, वो जाहिर अब खुद को बचा। आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ, बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे, वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो, हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है।
ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम कपिला शरीफ में हूँ, आप देख भी सकते हो। गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब सरदारी को, और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। मैं आप भाइयों से बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उम्मत इंसान का जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपको बच्चों के साथ सही सलामत करे और मेरी आवाज़ बनो, आगे से आगे तक आवाज़ पहुँचाओ। प्लीज मेरे भाइयों बहनों और मेरी आवाज़ बनो ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। तमाम अल्लाह अदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी आवाज़ बने और मेरे बच्चों वापस आ जाए। तमाम भाई बहनों को और सरकारी अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ताकि तमाम बहन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शोर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको जहनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को जहनी मरीज बनाया गया उनको। हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है, मैंने देखा मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी मुझे। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ, छोड़ के मैं शुक्र गुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मेरे मैं मिस्किन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्र गुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया।